नमस्कार दर्शक मित्रों, दिलोक सत्ता शो में आपनु स्वागत छे। आजना समय में दरेक व्यक्ति वधारे आवक मेळवा मांगे छे, एटलुं ज नहीं परंतु दरेक व्यक्ति आवता समय माटे थोड़ा घणा पैसानु रोकाण पण करवा मांगतो होय छे, जेनाथी तेओना पैसा समय जाता वधी शके अने सामान्य रीते केटलाक लोको पासे पैसा पण होय छे, परंतु तेनुं योग्य रोकाण क्यां करवुं तेनी तेमने कोई जाणकारी नथी होती। परंतु आजे अमे तमने एक एवी स्कीम विशे जणावीशुं के जेमां तमारा पैसा थई शके छे डबल। जी हाँ, अने जो तमे पण आवनारा दिवसोमां रोकाण करवानुं विचारी रह्या छो तो पोस्ट ऑफिसनी सेविंग स्कीममां तमे रोकाण करी शको छो, कारण के आ स्कीम्समां तमने सारुं रिटर्न पण मळे छे अने साथे ज तेमां रोकाण करवा माटे पैसा पण संपूर्ण रीते सुरक्षित रहे छे। आ उपरांत पोस्ट ऑफिसनी सेविंग स्कीममां खूब ज ओछी रकमथी रोकाण शरू कराई शकाय छे, जेमां पोस्ट ऑफिसनी स्मोल सेविंग स्कीममां किसान विकास पत्र पण शामेल छे। तो चालो तमने आ स्कीम विशे डिटेलमां जाणकारी आपी दईए। तो सौप्रथम तो तमने जणावी दईए के पोस्ट ऑफिस योजनानो एक सौथी मोटो लाभ ए छे के पोस्ट ऑफिस योजनाओ सरकारी गेरंटी मळे छे अने तेमां कोई पण रिस्क फेक्टर नथी होतुं, तेमज रोकाण पर गेरंटी रिटर्न मळे छे। अने आजे अमे तमने आवी जे एक पोस्ट ऑफिसनी स्कीम विशे जणावा जई रह्या छे, जेनुं नाम छे किसान विकास पत्र। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट मुजब आ किसान विकास पत्र एक एवी योजना छे जेनो समयगाळो 124 महीना एटले के 10 वर्ष अने 4 महीनानो होय छे। एटले के धारो के जो तमे 1 एप्रिल 2022 थी 30 जून 2022 सुधी आ स्कीममां रोकाण करो छो तो तमारा द्वारा जमा करवामां आवेली रकम 10 वर्ष अने 4 महीनामां बमणी थई शके छे, कारण के किसान विकास पत्र पर तमने वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज 6.9% मळे छे, एटले के जेमां रहेला जोखमो प्रमाणे नफो पण सारो मळे छे। तो आ योजनानो लाभ लेवा माटे मीडिया रिपोर्ट मुजब सामे आव्युं छे के आ स्मोल सेविंग स्कीममां एक पुख्त વયનો માણસ અને 3 પુખ્ત વયના લોકો સાથે મળીને જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવી શકાય છે। આ ઉપરાંત આ યોજનામાં નાબાલિકની તરફથી અભિભાવક અથવા તો કમજોર મગજના વ્યક્તિથી એના તરફથી અભિભાવક પણ ખાતું ખોલાવી શકે છે, અને આ સ્કીમમાં 10 વર્ષથી વધારે ઉંમરના વ્યક્તિ પોતાના નામમાં પણ એકાઉન્ટ ખોલી શકે છે। અને જો તમે કિસાન વિકાસ પત્ર સર્ટિફિકેટને 1,000 રૂપિયાની ઓછામાં ઓછી રકમથી શરૂ કરી શકો છો, અને આ સ્કીમમાં મહત્તમ રોકાણ માટે કોઈ પણ મર્યાદા નથી, એટલે કે તમે જેટલું ઈચ્છો તેટલું આ સ્કીમમાં રોકાણ કરી શકો છો। જો કે આ સ્કીમની શરૂઆત 1988માં થઈ હતી, ત્યારે તેનું હેતુ ખેડૂતોના રોકાણને ડબલ કરી શકાશે એવો હતો, પરંતુ હવે તેને દરેક વ્યક્તિ માટે ખોલી શકાય છે। તો આશા રાખું છું કે અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી આ માહિતી તમને જરૂર કામ લાગશે। બીજી ખબરો સાથે ફરી મળીશું। ધન્યવાદ।